Hello student, welcome back to the class of mathematics. I am Asifa Jamil. Last class we have discussed question exercise 3G question number 1 up to 10 class 9. Today we are going to start question number 11. Question number 1 up to question number 10. I hope ki complete ho gaya hoga. So let's start question number 11. Clear? और लास्ट क्लास हम लोग कुछ प्रूफ भी किए थे, वो समझ में आ गया होगा. वो थ्री टाइम्स बोले थे कंप्लीट करने के लिए, थ्री टाइम्स हो गया होगा. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से. क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 3 की क्वेश्चन नंबर 11. सबसे पहला क्वेश्चन 11 की हम लोग अटेम्प्ट करेंगे. 11 में क्या है देखो, 8 माइनस 27 बी क्यूब, 8 माइनस 27 बी क्यूब माइनस 343 सी क्यूब, 343 सी क्यूब माइनस 126 ए बी सी. ए बी सी क्लियर. सबसे पहले हम लोग क्या इसको क्या करेंगे, ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के फॉर्म में देखेंगे कि है कि नहीं. अगर ये तुम्हारा उस फॉर्मेट में चला गया फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला लिख देंगे. ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है. तो हम लोग इसको ये ट्राई करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है इस फॉर्मेट में चला गया अगर, तो बस क्या करेंगे, इसकी जगह पर हम लोग ये वाला फॉर्मूला लिख देंगे. क्लियर. तो अब हम लोग उस फॉर्मेट में भेजने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले देखो ये तुम्हारा क्या है, टू का क्यूब ए क्यूब, ए क्यूब के बाद क्या आता है प्लस बी क्यूब. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस साइन दे दिए और माइनस जो है वो बी के साथ डाल देंगे. क्लियर, समझ में आ रहा है. तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस 3b का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब. और यहाँ पर भी क्या होता है देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होता है, तो हम लोग प्लस दे देंगे और माइनस को सी के साथ डाल देंगे. दैट इज 343 जो है 7 का क्यूब है. देखो 7 × 7 × 7 करो, 7 × 7 = 49, 49 × 7 है ना, दिख रहा है ना 343 का क्यूब. तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस 7c का होल क्यूब. समझ में आया. तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 3 × a × b, बी की जगह पर देखो साइन के साथ उठा रहे हैं, b × c. अब ये जो है इससे मैच करना चाहिए, मैच करेगा तभी फॉर्मूला यूज हो सकता है, अदरवाइज नहीं फॉर्मूला यूज होगा. तो ये मैच करना चाहिए. तो सबसे पहले देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर देखो माइनस का साइन है. ये चीज समझ में आ गया. यहाँ मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 = 6, 6 × 3 = 18, 18 × 7 करेंगे 126. समझ में आया, 126 है. अब यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर एबीसी था, देख लू जो एक मिनट, सॉरी सिर्फ बीसी है, क्योंकि एबीसी सिर्फ बीसी है. यहाँ हम लोगों का बीसी आ रहा था, यहाँ पर एबीसी आ रहा था, इसीलिए हम देखें कि यहाँ पर बीसी आ रहा है, यहाँ पर एबीसी लिखे हुआ है, तो कहीं ना कहीं ए मिस हो रहा है. तो ए जो है क्वेश्चन में गलत लिखा कि यहाँ पर ए नहीं है. क्लियर. देखो ये फॉर्मेट देखिए, दिखा क्या देखा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc. फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस डायरेक्टली लिखे, लिखे डायरेक्टली ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए बी, ए बी 2 × −3b माइनस बी सी माइनस 3b × c माइनस 7c
माइनस सी ए, सी माइनस सेवन सी इंटू टू, क्लियर लिखा उस फॉर्मूला को लिखे ना, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, क्लियर। यहां पर मिस्टेक मत करना, ये फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन हम लोगों का समझ आया। तो ये तुम्हारा क्या हो गया ए प्लस, इसको डाल दो ब्रैकेट, तो किसका फॉर्मूला हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, लिख दिया ना ए प्लस बी प्लस सी, इस फॉर्मूला पे लिख दिया ना, इस फॉर्मेट में दिखा हम लोगों को, तो हम इसकी जगह पर ये लिख दिए। अब प्रोसेस को सॉल्व कर लो, क्योंकि साइन को हटाना पड़ेगा, ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा, सिंगल ब्रैकेट होना चाहिए। टू प्लस माइनस माइनस थ्री बी प्लस माइनस माइनस सेवन सी, क्लियर। ये क्या हो जाएगा फोर प्लस नाइन बी स्क्वायर प्लस फोर्टी नाइन सी स्क्वायर, क्लियर। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस सिक्स बी, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस माइनस, थ्री सेवन ट्वेंटी वन बी सी, क्लियर। तो यहां माइनस है, यहां माइनस रह गया, ठीक है ना, माइनस सेवन है, माइनस सी इंटू ए होता है, सी का वैल्यू माइनस सेवन सी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सेवन टू जा फोर्टीन, फोर्टीन सी, ये हो गया हम लोगों का आंसर, क्लियर। समझ में आया, ये था क्वेश्चन नंबर इलेवन। अब हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चन रूट का, देख लो रूट का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन, क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन देखो रूट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन, थर्टीन खुद से करो, थर्टीन भी रूट का, तो हम फिफ्टीन बता दे रहे। फिफ्टीन में क्या है, टू रूट टू ए क्यूब, टू रूट टू ए क्यूब प्लस थ्री रूट थ्री बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री रूट सिक्स ए बी सी, ये है क्वेश्चन, क्लियर। तो सेम करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी के फॉर्मेट में भेजेंगे। तो यहां पर देखो ये टू है, ये रूट टू है, तो टू को हम लोग लिख सकते हैं, टू रूट टू है क्वेश्चन में, तो टू को हम लोग लिख सकते हैं रूट टू इंटू रूट टू, टू को हम लोग रूट टू इंटू रूट टू लिखे, और एक बार रूट टू ऑलरेडी लिखा हुआ है, डेट इज रूट थ्री का, सॉरी रूट टू का होल क्यूब हो जाएगा, लिख सकते हैं ना टू रूट टू, तो ये क्या हो जाएगा रूट टू ए का होल क्यूब। इस तरह से सेम ये क्या हो जाएगा, थ्री को हम लोग लिख सकते रूट थ्री इंटू रूट थ्री, रूट थ्री ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो रूट थ्री बी का होल क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, ए का वैल्यू रूट टू ए, थ्री ए बी बी सी। अब ये देखो ये टर्म मैच करना चाहिए, तो यहां से देखना ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, थ्री ए बी सी हम क्या बोल सकते हैं, रूट टू इंटू रूट थ्री क्या हो जाएगा रूट सिक्स, रूट सिक्स हो जाएगा रूट टू इंटू रूट थ्री, ये है थ्री इंटू रूट टू इंटू रूट थ्री, तो रूट टू इंटू रूट थ्री रूट सिक्स, तो थ्री रूट सिक्स, और थ्री रूट सिक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, ए बी सी, ए बी सी और माइनस है तो माइनस, क्लियर। यानी हम लोग इस फॉर्मेट में भेज दिए, तो क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पर हम लोग, बोलो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर रूट टू ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट बी का होल स्क्वायर, सॉरी रूट थ्री बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी का स्क्वायर माइनस ए बी, दैट इज माइनस ए बी कहने का मतलब है रूट टू इंटू रूट थ्री, रूट टू ए इंटू रूट थ्री ए, माइनस बी सी रूट थ्री ए इंटू सी, माइनस सी ए सी इंटू ए का वैल्यू रूट टू ए, क्लियर। अब क्या लिख सकते हैं, ये तो काम होगा नहीं, तो सिंपल रूट टू ए प्लस
रूट थ्री बी प्लस सी। यहां बोलो रूट टू का स्क्वायर, रूट टू इंटू रूट टू टू ए स्क्वायर, सेम रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री ए सॉरी थ्री बी स्क्वायर, थ्री बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस रूट टू इंटू रूट थ्री रूट सिक्स। अच्छा सॉरी यहां पर बी है, यहां पर रूट सिक्स ए बी माइनस रूट थ्री ए सी माइनस रूट टू ए सी, यहां सॉरी यहां पर बी है रूट थ्री बी सी, रूट थ्री बी सी और माइनस रूट ए सी, ये होगी हम लोग आंसर। समझ आया? तो ये क्वेश्चन कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 था, ये एक रूट का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर तुमको मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 13 में भी रूट का क्वेश्चन मिलेगा। क्लियर? पहले 13 अटेम्प्ट करना या फिर पहले 15 बना लेना उसके बाद 13 पर जाना। समझ आया? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम है, रूट का क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करना खुद से, नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब हम लोग देखेंगे 17, 18 सारा क्वेश्चन सेम बेस पर है, तो एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 17, 18, 19 सब सेम है, तो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 19, 17, 18, 19 सारा क्वेश्चन सेम है, तो और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, 3a-2b का होल क्यूब, 3a-2b का होल क्यूब प्लस 2b-5c का होल क्यूब प्लस 5c-3a का होल क्यूब, 5c-3a का होल क्यूब, 3a-2b, 2b-5c, 5c-3a। क्लियर? तो सबसे पहले देखना कि जहां पर क्वेश्चन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के फॉर्म में है, 3abc नहीं लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जीरो होगा। क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जीरो। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? जहां पर देखना कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ओनली दिया हुआ है, 3abc वहां पर से स्किप है, तो ये चीज ध्यान में ले आना, सबसे पहला चीज ध्यान में ये आना चाहिए कि कहीं ना कहीं a प्लस बी प्लस सी को ऐड करने पर वैल्यू जीरो आ रहा है, क्योंकि ये वैल्यू जहां जीरो आएगा तो ये पूरा नंबर क्या बन जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3abc। तो यहाँ पर एक बार हम लोग चेक कर 35 हो जा रहे हैं, लेकिन आगे क्वेश्चन जब एग्जाम में मिलेगा तो वहां पर शो करने की जरूरत नहीं है, वो इतना हम लोग को रिवीजन करते हैं, इतना हम लोग अंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि कहीं ना कहीं वैल्यू क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो यहाँ पर हम पहले चेक कर ले रहे हैं कि ए ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, एड करके देखा रहे कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हो रहा है। ठीक, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, देखो इसको ए बोलो बी बोलो सी। समझ में आया? तो और पहले चेक कर लेते हैं, नहीं समझ में आता पहले चेक कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में शो करने से हम लोगों का टाइम सिर्फ वेस्ट होगा। ए देखो ए ये है ना, ए प्लस बी प्लस सी, देखो ऐड करके देखो, प्लस 3a-3 ये कैंसिल, 5c ये कैंसिल, ये कैंसिल, कहीं ना कहीं a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या है, तुम्हारा जीरो हो रहा है। क्लियर? तो ये तुम्हारा ये a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तुम्हारा जीरो हो जाएगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये तुम्हारा दिया हुआ है a क्यूब
यहां से लिख लेना a, दैट इज 3a माइनस 2b। जैसे लिख दे 3a माइनस 2b या फिर शो कर दे, दोनों में से एक काम करो, या तो शो कर लो या फिर इसको क्या करो, या तो यहां पर शो कर दो या फिर ये काम करो कि डायरेक्टली लिख दो। समझ में आया? टीचर समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं a प्लस b प्लस c का वैल्यू जीरो है। तो यहां देख लो कि यहां पर दिखा दो a, ये अगर a मानते थे, a b c दिया हुआ है, तो x y z मान लो, ये मान लो a b ये c। तो यहां पर लिख दो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू जीरो, दैट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc होगा। क्लियर? ये चीज तो हम दिखा दिए। देखो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या है, वहां पर जीरो दिखा दिए। अगर इसको शो करना तो यहाँ पर लिख दो, अदरवाइज इसको स्किप कर दो। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, a क्यूब, ये क्या हो जाएगा, b क्यूब, ये क्या हो जाएगा, c क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब, इसका वैल्यू निकालना बोलता है ना, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब क्या होगा, 3abc, 3a b और c का वैल्यू 5c माइनस 3 है। तो ये आंसर यहीं पर, इसको यहीं पर रख दो। समझ आया? तो सिंपल ये एक लाइन में बनेगा, अदरवाइज ये जो यहाँ पर जो हम शो किए हैं ना, इसको शो यहाँ पर कर दो, इसको शो यहाँ पर कर दो, इसको या फिर ऐसा कर दो, यहाँ पर इसको ऐसा शो कर दो, ये चीज यहाँ पर या फिर ये चीज यहाँ पर शो कर लो, कि दिखा दो कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3abc हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर भी जितना भी क्वेश्चन है ना, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 सब में क्या हो जाएगा, 3abc का वैल्यू जीरो आएगा, सॉरी a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जीरो आएगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc आंसर होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, देखो 21 में भी यही सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा सिर्फ चेंजिंग किया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है, a क्यूब b माइनस सी का होल क्यूब प्लस b क्यूब b माइनस सॉरी c माइनस a का होल क्यूब प्लस c क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब, ये है क्वेश्चन। तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, यहां पर इसको लिख सकते हैं हम लोग a b माइनस सी का होल क्यूब b c माइनस a का होल क्यूब, क्योंकि इस पर भी क्यूब है, इस पर भी क्यूब है, तो हम एक ही बार ऊपर लगा दिए क्यूब। तो सेम यहां पर क्या लिख सकते हैं, c a माइनस b का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस सी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, कहीं ना कहीं ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जीरो है। तो यहाँ पर शो कर दो, दिखा दो, यहाँ पर दिखा दो कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, इसको ए मान रहे हैं, इसको क्या मान रहे हैं, बी, और इसको मान रहे हैं हम लोग सी, इज इक्वल टू जीरो। दिखा देंगे, दिखा देंगे ना जीरो, ए का वैल्यू पुट कर लो, ये क्या हो जाएगा, बी माइनस सी, b का वैल्यू हो जाएगा c माइनस a, और c का वैल्यू हो जाएगा a माइनस b। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। तो माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसिल आउट, प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल आउट, देखो इक्वल टू क्या होगी, जीरो। दैट इज a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या है, जीरो। तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जीरो होगा, तो क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc। थ्री की जगह पर थ्री रखो, a का वैल्यू बोलो, b माइनस सी, b का वैल्यू बोलो, c माइनस ए, और c का वैल्यू बोलो, a माइनस बी। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, सॉल्व करने पर ये क्या करना, a b c को बाहर निकाल के ले लो,
सिंपल क्या करो, एबीसी को बाहर निकाल के ले आओ तो थ्री एबीसी हो जाएगा। थ्री एबीसी मल्टीप्लीकेशन में तो आ सकता है बाहर, बीसी माइन बीसी सी ए बी, बीसी सी ए बी, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 21 यानी क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर तुम 21 तक करो। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, 20 पूरा चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे और कुछ क्वेश्चन हम लोग एमसीक्यू का देखेंगे। क्लियर? आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ। क्लियर? थैंक यू।